जो वैसे आप उधार लेते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा इंटरेस्ट रेट। रेट होता है आपका कि आप हर एक 100 रुपए कितने रुपए वापस दोगे, जैसे आपने किसी से पैसे उधार लिए, ठीक है, तो उसको हर एक 100 रुपए में कितने रुपए आप वापस करोगे, ये होता है आपका रेट। रेट पर मंथ भी हो सकता है पर ईयर। सपोज करिए अगर आप हर एक 100 रुपीज में 10 रुपीज पर ईयर लेते हैं तो हम बोलेंगे रेट होगा हमारा 10% पर एनम। तो अगर रेट 10% पर एनम है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें हर एक 100 रुपीज में एक साल में 10 रुपए वापस करना है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं रेट मतलब, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, आगे कवर इंटरेस्ट होगा। बैंक होता है जितने समय के लिए आपने पैसे उधार लिए, ठीक है, वो आपको बनता है पैसा और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है आपका जो आपने पैसे उधार लिए उसके अलावा आप जितने भी एक्स्ट्रा पैसे वापस करोगे वो आपका इंटरेस्ट होता है। सपोज करो आपने पैसे उधार लिए 1,000 और आपने टोटल पैसे लिए वापस के 1,435 में, तो मतलब इंटरेस्ट क्या होगा, एक्स्ट्रा कितने पैसे वापस किया आपने 435, तो ये आपका इंटरेस्ट है। और अमाउंट होता है ये अमाउंट रहेगा 1,435, मतलब जितने भी आप टोटल पैसे वापस करते हैं वो हमारा अमाउंट है। और अमाउंट को पैसे कर सकते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये आपका प्रिंसिपल है
सिंपल इंटरेस्ट आपका 252 और टाइम है 2 years and 3 months। तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये सब के साथ शेयर किया।
सेविंग हो, उसी है आप कुछ पैसे डाले, ठीक है, वो ना इंटरेस्ट के साथ 5 साल में 5 से 20 हो जाते हैं और 7 साल में 500% हो जाते हैं, तो कितने पैसे हैं आपको सिंपल ही होता है। अब बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करेंगे हम निकाल सकते
tay của mình. इस सब मनी बिकम्स थ्री टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 20 ईयर्स. तो आपको बताएंगे टू टाइम्स कितने ईयर्स में. आपके 8, 10, 12, 14.
देखो थ्री टाइम्स होती है 20 ईयर के, इसका मतलब प्रिंसिपल टैक्स है तो अमाउंट कितना है 3 साल 3 ईयर, तो इंटरेस्ट कितना है 2x, ठीक है। अब 2 साल के चाहिए, ठीक है, तो यहां पर टाइम क्या है 20 ईयर्स। अब प्रिंसिपल एक्स दूसरे में हमें अमाउंट क्या होना चाहिए 2 टाइम्स वाला, अमाउंट कितना होना चाहिए 2x, तो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए एक्स। अब देखो इंटरेस्ट की खासियत क्या होती है कि वो हर एक साल में सेम होता है, अगर 2x इंटरेस्ट 20 साल में होता है तो एक्स इंटरेस्ट कितने साल में होगा, ये चीज क्लियर, क्योंकि इंटरेस्ट हर एक साल सेम होता है, अगर 2x इंटरेस्ट 20 ईयर